देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 5 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। मैं अपने डायरेक्टर्स के साथ शूट कर रहा था साउथ के अंदर एंड मैंने उनको गाना दिखाया तो सबसे पहले उन्होंने पूछा यार ये सिंगर बड़ी कमाल की गाती है सर, इसको ये हमारे फिल्म्स में गाना गाएगी। मैं क्या मैं पूछ लूंगा यार जब उन्होंने विजुअल्स देखे तो दे वर वेरी वेरी इंप्रेसिव सर, इट्स ब्यूटीफुली शॉट और बहुत स्पेशल है सॉन्ग। सुनंदा शर्मा जिसने काफ़ी थोड़े समय दे विच बेहद ज़्यादा सक्सैस हासिल की है और बकायदा वड्डे वड्डे कलाकारों के नाल काम भी किया है, जिन्हां दे विच एक है सुपर सिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ, जिस दे नाल उन्होंने अपनी फिल्म कीती सीगी। फिल्म का टाइटल सी सज्जन सिंह रंगरूट। और उस तो बाद हाल ही दे विच एक गाना रिलीज़ होया है सुनंदा शर्मा का, जिस दे विच सुपरस्टार बॉलीवुड के नज़र आ रहे ने सोनू सूद। दस दे थानू कि सोनू सूद अते सुनंदा शर्मा का नवा गीत अज ही रिलीज़ होया, जिसनू लैके ये दोनों लाइव चैट करते हुए नज़र आए और खुल के इन्होंने गल्लां बातां कीतियां ने। तो दूजे पासे नाल दे नाल ही वादा किया है सोनू सूद ने कि वह पंजाब आउणगे और किहड़ियां चीज़ां की मांग की है उसने सुनंदा शर्मा तो खाण पीण दे लई। आओ थानू लैके चलदे हां उन्हां दे पूरे लाइव सैशन दे वल। हाय एवरीबॉडी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। फाइनली आज गाना रिलीज हो जाना है। हो गया कि होना है? होना है। नहीं अभी हेलो नंद हाय। ओके आई हैव टू ऐड सोनू जी, वो ज्वाइन करना है उनको, तो कहाँ से करेंगे? आई डोंट नो। यहाँ पे लेट मी सर्च। Hey guys, I'm waiting for सोनू जी, वो आ जाएं। होर सुनाओ सारे ठीक ठाक हो? क्या चल रहा है? ठंड थोड़ी जी आई थिंक घट गई है और बड़ा अच्छा मौसम है, कोजी और गाना रिलीज़ होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और मैनू ऐसे कि थोड़े सारे ना लाइव जाके मैं गलबात करा। आई थिंक रिक्वेस्ट आ गई होगी मेरी। हेलो सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੁਣਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਹਾਓ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਯੂ نو ਆਈ ਜਸਟ ਸੌ ਦ Song ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬlesed ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਥਿਸ ਜਰਨੀ। थैंक यू सो मच सर, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की गल है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस कि ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੰਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। मेरे मेरे मैं सुनंदा शेयर करना चाह रहा मैं हूं अपने डायरेक्टर्स ने शूट कर रहा सी साउथ दे विच बहुत बड़े डायरेक्टर्स ने और मैं जदों उन्हां नूं गाना शेयर कीता मैं थोड़ा एक्चुअली हिंदी चाहना ताकि होर बाकी भी पंजाबी वाले नहीं जी सर जी तो मैं अपने डायरेक्टर्स के साथ शूट कर रहा था साउथ के अंदर एंड मैंने उनको गाना दिखाया तो सबसे पहले उन्होंने पूछा यार ये सिंगर बड़ी कमाल की गाती है सर, इसको ये हमारे फिल्म्स में गाना गाएगी। मैं क्या मैं पूछ लूंगा यार जब उन्होंने विजुअल्स देखे तो दे वर वेरी वेरी इंप्रेसिव सर, इट्स ब्यूटीफुली शॉट और बहुत स्पेशल है सॉन्ग। सो आई थिंक वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड। अभी रिलीज होने वाला है सॉन्ग अनदर 5-10 मिनट्स एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड। यस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड है एंड यू नो ये मेरा पहला सैड सॉन्ग है। आई थिंक मैं थोनों सैट ते भी थोड़ा एक गल शेयर की सी, मेरे जिन्ने भी गाने ने पहला वो सारे पैपी नंबर्स ने और चुलबुले जे गाने ने और दूजी बार प्यार वॉज अ रोमांटिक सॉन्ग और ये मेरा पहला गाना है जो सैड सॉन्ग है। और एक्चुअली ना मैं खुद भी मतलब यह जहा म्यूजिक बहुत सुनती हाँ, मैंने सैड म्यूजिक मतलब इस तरीके के जोनर का गीत बहुत पसंद ने और मैंने बहुत चंगे लगते हैं सुनने। और जो ये मैं गाना साड़ी टीम को ले आया जो असीनू कीता मैं गाया बस मतलब बहुत चंगे तरीके नाल यू नो बाहर निकल के आया और काफी टाइम तो ये गाना बना रहे थे। और सुनिए खास चीज मैं आपको एक ये बोलना चाहता हूँ कि ये सिर्फ सैड सॉन्ग नहीं है, एक बड़ा इमोशनल, मैं इसको एक इमोशनल और इंस्पायरिंग सॉन्ग का नाम देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जितने आर्मी के लोग होते हैं जो छोड़कर अपनी फैमिलीज को छोड़कर या जिन्हें वो प्यार करते हैं उनको छोड़कर जब वो जाते हैं कुछ बनने के लिए और फैमिलीज पीछे कैसे मिस करती हैं और वो एक्चुअल अपनी ड्यूटीज निभा रहे होते हैं वहां पर और वो भी अपनी जिनको वो चाहते हैं उनको कैसे मिस करते हैं, ये उनकी जर्नी है। तो मुझे लगता है हम लोग इसको इमोशनल और इंस्पायरिंग सॉन्ग कहना चाहिए। और जब आपकी आवाज उसमें आती है एंड द वे इट्स बीन शॉट, तो बड़ा ही जितने लोग हैं आर्मी के बॉर्डर्स पे सुनेंगे इसको, जो फैमिलीज जिनके परिवार वाले उनको मिस करते हैं, जो लड़कियां मिस करती है अपने फियांसेस को, प्यार करने वालों को, आई थिंक ये सब उनके साथ वो जर्नी जुड़ जाएगी। हाँ जी, एक ना जो एक इनसिक्योरिटी हर बंदे को रहती है, हर एक रिलेशन में रहता है कि पता नहीं जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ वो भी मुझे सिर्फ मुझे से प्यार कर रहा है कि नहीं, या फिर उसको कोई और तो नहीं मिल गया है। तो ये इनसिक्योरिटी भी है इस गाने के थ्रू, वो जो हम लोग दिखा रहे हैं कि जैसा भी इसका कॉन्सेप्ट है। और जैसे आपने बोला कि इंस्पायरिंग है, इमोशनल है, और अगर मैं इमोशनल की बात करूं तो 2-4 बार ना हम लोग जब घर पे देख रहे थे तो मेरी दीदी वाज क्राइंग, मैं क्या हो गया शी वाज लाइक पता नहीं क्यों मैंने जरूर तू रो रही है ना तो मैनू रोना आता है क्या हो गया। तो म्यूजिक अगर ऐसी गल करिए तो मतलब इन्ना सूदिंग है और इन्ना और लिरिक्स की गल करिए, जानी दे लिरिक्स ऑलवेज बहुत चंगा लिखते ने वो, और ये गाना भी उन्होंने बहुत चंगा लिखा है। मैं उन्होंने स्पैशली ये गल उन्होंने कई बार कही है कि मैनू ये मेरा गाना सब तो फेवरेट रहने वाला है पूरी जिंदगी दे विच, बहुत अच्छा। एंड थोड़ा बहुत सारा थैंक्स सर कि तुसी इना साथ दिता है और इन्ने अच्छे तरीके नाल स्क्रीन ते असं दोनों बहुत चंगे लग रहे हैं। या ऑफ कोर्स मेरे कई तो मेरे दोस्ता ने क्या कि यार एक तो फिल्म आ रही है यार, बड़ी तगड़ी फिल्म तो रिलीज हो रही है जी, और इट लुक्स लाइक अ मूवी विच इज अ ग्रेट नोट, बड़ा ਵੱਡਾ कॉम्प्लीमेंट है कि लोगों को लग रहा है कि एक फिल्म ਦਾ जो ਵੱਡਾ Song ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 뮤직 ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ 뮤직 ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਸੁਨੰਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਲ ਹੇਅਰ ਵਾਟ Sunanda does with the emotional notes, so I think it's a treat for everyone. Yeah, actually वही गल ना कि जिस चीज नूं तुसी पसंद करदे हो जदों तुहानूं ओह गाउण नूं मिले तां तुसी वैसे उहनूं बड़े प्यार नाल दिलों गाउणे हो। और जदों असीं नूं गा भी रहे सी आई थिंक असीं 1-2 टेक च गाणे नूं लाइक असीं बहुत जल्दी गाना बनाया, मतलब गाना 2-3 साल पहला गाना बनिया होया सीगा और किसी रीजन करके वर्कआउट नहीं हो पा रहा सी, जो चीज़ चाहिए सी वो निकल के नहीं आ रही सी। और फिर जो एक से एल्बम के बारे डिस्कस कर रहे थे और फिर मैं वैसे गल की जानी जी नाल कि एक ना पागल गाना भी सी कर रही उस लाइक अच्छा हाँ वो मैंने याद है, मैंने थोड़ा टाइम दो मैंने लिखना है वे ठीक है। फिर उन्होंने लिखा, फिर असी उन्होंने एवीन्यू का दोबारा नाल म्यूजिक कराया और क्या गाना बनया। फिर लाइक ऐसा सीगा कि सब तो पहले असली ही गाना एल्बम दा नहीं बड़ी मैं हमेशा जो ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਗਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਐਸੇ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਬ ਆਪ ਸੁਨੇ तो पहली दफा आपको अच्छे लगते हैं। सो मैं कहूँगा ये जो गाना है पागल नहीं होना ये पहली दफा में अच्छा लगा है। आई रिमेम्बर कि जब हम लोग शूट कर रहे थे हैदराबाद में शूट कर रहे थे तो बहुत सारे लोग यूनिट के आए हुए थे और वो लोग भी थे जिनको शायद पंजाबी नहीं समझ आती और वो भी जब ब्रेक हुआ तो वैन में वो भी ये गाना गुनगुना रहे थे कि सर बड़ा कमाल का सॉन्ग है आपका और वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड जब वो रिलीज होगा। और जब पहली दफा हमने टीजर रिलीज किया था सो एवरीवन वाज की वाओ वी आर वेटिंग एंड आई थिंक द वेट इज ओवर एंड टुडे वी आर गोइंग लाइव विद दिस एंड ऑल थैंक्स टू जानी जी सारे दोस्त पिंकी जी ने इतनी मेहनत करके, डायरेक्टर साहब सब ने जिन्होंने इतनी मेहनत करके मेड सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई थिंक ये जर्नी साडी बड़ी स्पेशल है, बड़ी स्पेशल है और सारे की बहुत मेहनत लगी है, स्पेशली पिंकी भाजी। मैं हमेशा एक गल कहनी हूँ कि शायद मैं नहीं होना अपने बारे सोच रही, शायद मैनू नहीं पता लगता कि मैं की कर सकती हूँ, बट उन्होंने पता होंगे कि तू की करना है, की कर सकती है। हमेशा वो मतलब एक इन्ने अच्छे थॉट नाल बाहर आते और ये पिछे भी जो उन्होंने थॉट सीगा, आई रियली थैंकफुल टू हिम एंड पूरी टीम। आई थिंक आप प्रीमियर कर रहे हैं, गाना प्रीमियर हो रहा है। वाओ, और पार्टी ड्यू है, पार्टी ड्यू है, पार्टी ड्यू है सर। थोनू पंजाब दा खाना खवावांगे, सरसों दा साग, मक्की दी रोटी ते सारा कुछ साडे अपने खेतां दा, थोनू जरूर खिलावांगे पार्टी। मक्खन जरूर चाहिदा है, घर दा बने। अरे सर मैं थोनू की दस्सां, मक्खन, दूध, दही सब कुछ साडे घरे खुद दा है, मतलब असि मज्जां रखियां होईयां, गावां रखियां होईयां, सारा कुछ घर दा, तुसीं घर दा खाओगे मक्खन भी। चलो ठीक है, आ रहे हैं, मैं जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। जरूर सर, जरूर। Let's watch it together on live. Right? Yeah. Okay. प्रीमियर हो रहा है गाना and I think अपन नू कठिया नू देखना चाहिए था गाना. Right. Yeah. मैं ये तो बैक कैमरा में जाएगा। ऑलवर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।